fine and say at home. Ma'am is here with the new chapter of standard 5th. Okay, lesson number 3, and the name of the lesson is from tasting to digesting. टेस्टिंग तो आपको पता होगा, टेस्टिंग यानी कि हम कोई भी फूड जब खाते हैं या हम टेस्ट करते हैं, ओके, फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द टंग. और फिर है हमारा टू द डाइजेस्टिंग, मीन्स डाइजेशन होने तक, यानी कि खाना खाने के बाद जो स्टमक में जाता है और फिर वो डाइजेस्ट यानी कि हजम होता है, वहां तक का सफर जो है हम कहाँ देखने वाले हैं इस लेसन में, यानी कि जब फूड हम अपने माउथ में लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस मॉर्सल को, उस निवाले को, पीस को हम कहाँ रखते हैं, ऑन द टिप ऑफ द टंग, हम अपने टंग के ऊपर रखते हैं, वहां से ही जो है डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जैसे ही हम खाना अपने मुंह में डालते हैं, टेस्ट करते हैं, वहां से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. और फिर वो कौन से प्रोसेस से स्टेप से गुजरता है और डाइजेशन किस तरीके से होता है, हम जो है इस लेसन में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज. ओके, तो हमारा पहला जो वीडियो है वो है टेस्टिंग. हम जो स्टार्ट करेंगे वो है टेस्ट. टेस्ट किसे करते हैं आप, विद द हेल्प ऑफ द टंग. टंग की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट फूड्स होते हैं उसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका फ्लेवर कैसा होता है. ओके, यहाँ पर देखो पहली पॉइंट क्या है, डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड आइटम्स टेस्ट डिफरेंटली. यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो या फिर कोई और चीज हो, जो भी हम खाते हैं, सारी चीजों का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट. जैसे हम कोई भी फूड को अपने टंग में रखते हैं, टंग के ऊपर यानी जुबान के ऊपर, आप जब भी जो भी फूड को रखते हो तो आपको उसका टेस्ट पता चल जाता है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, जैगरी, जिसको हम हिंदी में गुड़ बोलते हैं, और यहाँ पर क्या है, जलेबी. ओके, तो ये दोनों कैसी है, ये कैसे टेस्ट करेगी, ऑब्वियसली स्वीट टेस्ट करेगी, मीठा टेस्ट करेगी. ओके, तो कैसे पता चलेगा कि ये मीठी है, जब आप इसको अपने टंग के ऊपर रखोगे. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमें जो है टेस्ट के बारे में बताते हैं. अभी एक टंग है, टंग तो आप देखते होगे तो वो टंग आप बोलोगे ये तो सिंगल पार्ट है ना, हमने पढ़ा है ना पार्ट्स ऑफ द बॉडी में टंग. तो टंग जो होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो हर एक टंग के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होता है वो हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताते हैं. तो पहला टेस्ट क्या है हमारा, स्वीटनेस, यानी कि कोई भी मीठी चीज. नाउ सी अप सुपर सेंसेस, ये वर्ड आप फैमिलियर हो, हमने जो है इसी 5th स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 1 से स्टार्ट किया था सुपर सेंसेस. और मैम ने आपको, अगर आपको याद हो तो सुपर सेंसेस में हमने जो सुपर पावर्स देखे थे किसके बारे में देखे थे, बेसिकली ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स में कौन से सुपर सेंसेस होते हैं वो हमने देखा था. तो कितने टोटल सुपर सेंसेस है, 5 है, और उसमें से 4 हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिए थे. जैसे कि सेंस ऑफ साइट देखा था हमने, जैसे कि ईगल की साइट होती है काफी क्लियर होती है. फिर सेंस ऑफ स्मेलिंग देखा था, जैसे एनिमल के पास जो सेंस होते हैं, एंट्स हो या फिर सिल्कवॉर्म हो, इन लोगों की जो सेंस पावर होती है, डॉग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. फिर सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ टच विद द हेल्प ऑफ द स्किन, ये 4 सेंसेस हमने कवर किए हैं. और इस चैप्टर में हम जो है कौन सा सेंस कवर करने वाले हैं, सेंस ऑफ टेस्ट. लेकिन ये एनिमल से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है. नाउ सी अप दिस ऑल आर द थिंग्स जो हम रेगुलर अपनी डेली डाइट में लेते हैं. ओके, और इसके टेस्ट कहते हुए कैसे होते हैं वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये है बीटर गॉर्ड यानी कि करेला, और ये है मेडिसिन. ओके, तो ये दोनों कैसी होगी, इनका टेस्ट कैसा होता है, जब हम जबान पे टंग पर रखते हैं तो हमें कैसा लगता है, बिटर, बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट होता है उसका, है ना. और कभी कभी तो ऐसे होता है कि अगर मेडिसिन को आप हाथ में लोगे और अगर आप खाली स्मेल भी करोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा उसकी स्मेल से कि ये जो क्या है वो है मेडिसिन. ओके, फिर यहाँ पर है सॉल्ट यानी कि खट्टा टेस्ट, किसका होता है, टैमरिंड यानी इमली एंड द लेमन, ये जो टेस्ट करते हैं वो है सॉल्ट टेस्ट. फिर उसके बाद में देखो सॉल्टी यानी नमक वाला टेस्ट, जो स्वीट नहीं है, जो बिटर नहीं है, कैसा है वो, सॉल्टी यानी नमकीन टेस्ट, जो आप चिप्स वगैरह खाते हो या मम्मी स्नैक्स
रहती है। और यहाँ पर देखो ये है रोस्टेड, रोस्टेड का मतलब होता है इसको जो है वो सेका जाता है, और इसको टेस्ट करने से पहले ही अगर आप स्मेल कर लो, अगर आपको खुशबू आ जाती है तब भी आप पहचान सकते हो कि मम्मी किचन में क्या बना रही है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारे टेस्ट जो है हमारे फर्स्ट वीडियो को कवर करेंगे। तो आपको मैम ने ये है एक इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक लेसन की ओर। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। डिफरेंट टेस्ट हम जो अभी क्या देखने वाले हैं, मैम ने आपको उससे पहले क्या दिखाया था, डिफरेंट डिफरेंट खाने की चीजें, फूड दिखाए थे जिसका टेस्ट कैसा होता है वो अब हम यहाँ देखेंगे। डिफरेंट टेस्ट, जंप ऑन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ अ मदर सेइंग माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। यानी कि जो जंपा है, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, एक है जंपा और है झूलन। ओके, तो जंपा क्या बोलती है अपनी मम्मी को, किचन में भाग कर जाती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं जो है ये बिटर करेला, यानी कि जो कड़वा करेला होता है वो मैं बिल्कुल भी खाने वाली नहीं हूँ। गिव मी गुड, यानी कि जैगरी एंड रोटी, क्या बोलती है वो, मुझे गुड़ और रोटी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कैसी होती है, स्वीट होती है ना, क्योंकि बच्चों को जो है ज्यादातर कड़वी चीजें जो है खाने में पसंद नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है करेले को नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो है जंपा है वो भी क्या बोल रही है कि मुझे जो है करेला नहीं खाना है, मुझे गुड़ और रोटी चाहिए। माँ स्माइल एंड सेड यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। उसकी मम्मी क्या बोलती है कि अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो तुमने रोटी और शुगर ये तो खाया था, यानी कि जो शुगर है वो भी स्वीट होती है, तो मॉर्निंग में तो तुमने स्वीट चीज खाई थी, तो अभी आप मतलब लंच में भी तुम्हें क्या चाहिए, गुड़, यानी कि फिर से तुम्हें स्वीट चीज खानी है। झूलन टीज्ड जंपा, अब क्या होता है इसमें जो सेकेंड गर्ल है उसकी सिस्टर है वो आती है और वो क्या बोलती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, यानी कि आप एक ही टेस्ट की यानी कि एक ही तरीके की जो चीजें खाते हो तो क्या खा खा के आप बोर नहीं होते हो, यानी सुबह में भी मीठी चीज खाई, अभी भी आपको गुड़ खाना है यानी कि फिर से मीठी चीज खाओगे, तो इतना सारा मीठा खाते हो तो क्या बोर नहीं होते हो। झंपा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली, यानी कि टैमरिंग, आई बेट योर माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। अब जो झंपा है वो क्या बोलती है कि अगर मैं बार बार स्वीट चीजें खाती हूँ तो वो अपनी सिस्टर को बोलती है कि तुम भी तो बार बार एक ही चीजें खाती हो, वो कौन सी है, इमली। इमली का टेस्ट कैसा मैम ने बोले होता है, वो है सॉर, है ना, खट्टा होता है, तो वो अपनी सिस्टर को बोलती है कि तुम भी तो कंटिन्यूसली खट्टी चीजें खाती हो तो क्या तुम बोर नहीं होती हो। श्योर आई लव द सॉर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, आई इवन ईट करेला, सेड झूलन एंड लुक एट हर मदर दे बोथ लाफ हार्टिली। अब उसने क्या बोला कि हाँ मैं इमली तो खाती हूँ लेकिन इमली के साथ साथ जो है मैं दूसरी फूड को भी खाती हूँ, जैसे कि स्वीट हो गया, सॉर हो गया, बिटर करेला हो गया, तो एक सिस्टर जो है वो हर एक फूड को ट्राई करती है, हर एक टेस्ट की चीजों को खाती है, और एक जो सिस्टर है छोटी वाली वो है उसको सिर्फ स्वीट चीजें पसंद है, उसको बिटर यानी कि कड़वी चीजें खाना अच्छा नहीं लगता है। झूलन सेड टू जंपा लेट्स प्ले अ गेम, अब झूलन है उसने क्या बोला जंपा को, यानी कि ये दोनों सिस्टर्स हैं, इसने जंपा को क्या बोला कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। वो क्या बोलती है कि तुम्हारे आंखों पे जो है एक पट्टी बांध देते हैं, फिर तुम्हें अपना माउथ ओपन रखना है, वन बाय वन करके एक एक चीजें जो है तुम्हारे माउथ में हम लोग रखेंगे और तुम्हें बताना है कि वो चीज कौन सी है और उसका टेस्ट कैसा होता है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन अ स्पून एंड पुट देम इन द जंपास माउथ सॉर लेमन जंपा रिप्लाइड। अब वो सिस्टर ने क्या किया, लेमन लिया और लेमन के कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो उसके माउथ में डाल दिए, ठीक है, तो वैसे ही चंपा ने क्या बोला कि ये सॉर लेमन है, यानी कि ये खट्टा है और इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, लेमन के जैसा आ रहा है। ओके, नाउ सी ये दूसरे कौन सी चीजें हैं यहाँ पर। झूलन देन पिक अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, यानी कि एक जैगरी का पीस लिया, गुड़ का पीस लिया, हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। अब उसने उसकी मदर ने क्या बोला कि उस पीस को ऐसे पूरा मत डालो, उसको क्रश करके डालो, क्योंकि अगर वो पूरा पीस डालोगे तो उसे पता चल जाएगा कि ये गुड़ है यानी कि जैगरी है, क्यों, क्योंकि उसे जैगरी काफी पसंद था, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्रश किया, झूलन ने उसको क्रश किया एंड पुट इट इन द माउथ ऑफ द झंपा।
जेली का. They played the game with different food items. Jhumpa would tell the fried fish even before tasting it. और उन लोगों ने क्या है, दूसरी दूसरी काफी सारी फूड आइटम्स को ट्राई किया. ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसे टमाटो है, फिश है, यहाँ पर काफी सारी खाने की चीजें हैं. तो उन लोगों ने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को ट्राई किया उसके माउथ में डालकर कि वो उस टेस्ट को पहचानती है या नहीं. और इवन जो फ्राइड फिश होती है, जैसे मैंने आपको वीडियो में रोस्टेड फिश का फोटो बताया था, वैसे ही उसको फ्राइड फिश, यानी कि अगर वो पास में ही रख दी तो उसने उसको भी गेस कर लिया खाने से पहले ही कि ये जो है वो क्या है, फ्राइड फिश है. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि हमारे पास कौन सा पावर है, सेंस ऑफ टेस्ट. यानी कि हम जो है हमारे टंग की हेल्प से, टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसकी हेल्प से हम जो है खाने का पता कर सकते हैं कि वो कौन से टेस्ट का होता है. Jhumpa was confused. It is a bitter, a little salty and somewhat salt. He one more spoonful. Julian took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed. Yes, he'll be more. अब वो फिश तो उसने स्मेल करके बता दिया. फिर उन लोगों ने क्या किया, जो करेला मदर ने बनाया था उस करेले का थोड़ा सा स्पून भर के वो लिया और उसके मुंह में डाल दिया. ठीक है, अब वो उसको पता नहीं था कि ये कौन सा टेस्ट है क्योंकि उसने कभी करेला खाया ही नहीं था. तो वो टेस्ट करके क्या बोलती है कि ये थोड़ा सा बिटर भी है और थोड़ा सा सॉल्टी भी है, यानी इसका टेस्ट है वो मिक्सचर में आ रहा है और उसे वो टेस्ट काफी पसंद आया. तो वो क्या बोलती है कि मुझे और चाहिए, तो मुझे ये और टेस्ट करवाओ तो पता चले कि ये क्या है. तो उसकी आंखें वो लोग जो है वो खोल देते हैं और उसे बताते हैं कि ये क्या टेस्ट करवाया उन लोगों ने, लास्ट में करेला. ओके, तो उसका टेस्ट कैसा था, थोड़ा सा सॉल्टी भी था क्योंकि हम जब उसको कुक करते हैं तो हम क्या करते हैं उसके अंदर सारे स्पाइसेस डालते हैं और प्लस वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट भी आता है. ओके नाउ सी हियर, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चला कि जो फूड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड जो होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट देते हैं. और हमें जो है सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं खाना है. सिर्फ स्वीट है तो आप स्टूडेंट्स को ज्यादा बच्चों को स्वीट पसंद आती है तो हम वही रेगुलर खाएं, तो ऐसा नहीं होता है. क्योंकि जब टेस्ट करते हैं, जब वो फूड हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है और हमारी बॉडी को जो है सिर्फ एक फूड की जरूरत नहीं होती है, हमें जो है पूरी कंप्लीट डाइट चाहिए होती है ना. आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है जो हमें बैलेंस डाइट होती है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग आता है, मिल्क आता है, एग्स आते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड होता है. सारी चीजें जो है हमें एकदम प्रॉपर बैलेंस डाइट में खानी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन में हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होती है, जो हजम होता है हमारा खाना, वो इजीली कंप्लीट हो सकता है. ओके नाउ सी हियर, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप क्वेश्चंस आपको मैम पीडीएफ पर भेजेंगे तो वो आपको इमेजिन करके सॉल्व करने होंगे. ओके जैसे कि यहाँ पर देखो आइसक्रीम का दिया हुआ है, यहाँ पर सोफ है, वो हम होटल्स में जाते हैं या मम्मी रखती है ना सोफ या बरियाली बोलते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टेस्ट स्वीट होता है. तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि टैमरिंड हो गया, इमली हो गया, तो ये सारी चीजें कैसे टेस्ट करती है वो आप लोगों को बताना होगा. यहाँ पर जो है फिश हो गया. ओके नाउ सी हियर, ये जो है हमारा टंग. ओके और इसके जो है डिफरेंट पार्ट्स, तो ये जो टंग के अंदर कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये जो है हमारे सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे. तो होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा. डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टेस्ट डिफरेंट.